नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शिवधारी के गर्भ काल में ही पांच चीजें तय हो जाता है। पहला आयु, दूसरा कर्म, तीसरा धन, चौथा विद्या और पांचवा मृत्यु। साधु महात्माओं के संदर्भ से पुत्र मित्र बंधु से अनुराग छूट जाते हैं और जो उनका संग करते हैं उनका कुल उज्जवल हो जाता है। जिस प्रकार मछली, कछुआ और चिड़िया दर्शन, ध्यान और स्पर्श से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, वैसे ही सज्जनों की संगति से हर प्रकार से रक्षा हो जाती है। ये नश्वर शरीर जब तक निरोग और स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक मनुष्य का अपने सभी पुण्य कर्म कर लेना चाहिए, ताकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। विद्या कामधेनु के समान है, यह बुरे समय में भी फल देता है और विदेश में भी तो यह माँ के समान आपकी रक्षा करता है। इसी कारण से विद्या को उपतिधन कहा जाता है। ये छह बिना अग्नि के ही आपको जलाते हैं। पहला बुरे ग्राम में वास, दूसरा झगड़ालू स्त्री, तीसरा नीच कुल की सेहवा, चौथा खराब भोजन, पांचवा मूर्ख लड़का और छठा विधवा कन्या। इस संसार के ताप से जलते हुए प्राणी को तीन चीजें सुकून दे सकता है। पहला सुपुत्र, दूसरा पतिव्रता स्त्री और तीसरा सज्जनों की संगति। राजा एक ही बार आदेश देते हैं, पंडित एक ही बार बोलते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीन चीजें सिर्फ एक ही बार होता है। तपस्या अकेले में, अध्ययन दो के साथ, गीत गायन तीन के साथ, यात्रा चार के साथ, तेती पांच के साथ और युद्ध बहुत सहयोगियों के होने पर तभी उत्तम रहता है। पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है, जो पतिव्रता है और जिसके पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती हो। बिना संतान के घर सुना है, बिना मित्रों के दिशाएं सुनी है। मूर्ख लोगों का हृदय भावों से शून्य है और सबसे अधिक शून्यता है दृढ़ता। अभ्यास ना करने पर शास्त्र विष बन जाता है, भोजन ना करने पर विष बन जाता है, दरिद्र लोगों की सभा विष बन जाती है और विद्यों के लिए उनकी विष बन जाती है। जिस धर्म में दया ना हो उसे छोड़ देना चाहिए, विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। जिस पत्नी के मुख से क्रोध प्रकट होता हो उसे छोड़ देना चाहिए और जिन मित्र या संबंधियों से प्रेम ना हो उनका त्याग ही उचित है। बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ बातों का बार बार विचार करना चाहिए। पहला सही समय, दूसरा सही मित्र, तीसरा सही जगह पर निवास, चौथा सही आय का स्रोत और पांचवा सही व्यर्थ और निवेश और छठा अपनी शक्ति और अपना गुण। अपने ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के देवता वास करते हैं, ऋषि मुनियों के देवता हृदय में निवास करते हैं, अल्प बुद्धि बालकों के लिए मूर्तियों में निवास करते हैं और संदर्शियों के देवता हर जगह निवास करते हैं। मनुष्य शास्त्रों को प्रकट प्रदान कर जानता है, त्रिबुद्धि को छोड़ता है और ज्ञान प्राप्त करता है तथा मोक्ष प्राप्त करता है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोधी और मनुष्यों में चुगली करने वाला चंडाल अर्थात नीच होता है। भ्रमण करने से राजा, ब्राह्मण और योगी सम्मानित होते हैं, किंतु इधर उधर घूमने से स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। जैसा होनहार वैसे ही उसकी बुद्धि हो जाता है, उद्योग धंधा हो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। काल ही सभी प्राणियों को खा जाता है और काल ही प्रजा का नाश करता है। जब पूरा संसार सोया रहता है उस समय भी काल जागता है और काल को कोई टाल नहीं सकता। जन्म से अंधे को कोई दिखाई नहीं देता, काम में उनका उन्मत्त व्यक्ति को भला बुरा दिखाई नहीं देता, मद और व्यसन से मतवाला को सोच नहीं पाता और अर्थ या धन का लालची किसी कार्य में दोष को नहीं देखता। जीव स्वयं ही कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है और उस स्वयं ही संसार की मोह माया में फंसता है और स्वयं ही से मुक्त होता है। अपने राज्य में हुए पाप राजा को लगता है, राजा का पाप पुरोहित को लगता है, स्त्री का पाप उसका पति या उसके पिता को, वैसे ही अपने शिष्य का पाप उसको गुरु को लगता है। ऋण लेने वाला पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख संतान शत्रु है और सुंदर पत्नी स्त्री शत्रु है, अर्थात आप इनकी वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। इसका अर्थ ये नहीं कि आप इनसे शत्रुगत व्यवहार करें। लोभी को धन से, अहंकारी को हाथ जोड़ने से, मूर्ख को उसके अनुसार चलकर और पंडित को सच्चाई से बस में करना चाहिए।
राज्य ना हो तो अच्छा है, परंतु दुष्ट राजा का होना अच्छा नहीं है। बिना मित्र के रहकर अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र का होना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु निंदित शिष्य से अच्छा नहीं है। बिना पत्नी के रहना उचित है, किंतु दुष्ट पत्नी का होना उचित नहीं है। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहाँ, दुष्ट मित्र से शांति कहाँ, दुष्ट स्त्रियों से घर में प्रीति कहाँ, और दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से कीर्ति कहाँ। विद्वान को अपने संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर समय और अपने बल के मुताबिक कार्य साधना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घेरने, काटने, जलाने और पीटने से होती है, उसी तरह से मनुष्य की पहचान त्यागशील गुण और कर्म से होता है। स्त्री का गुण उसका पति है और स्थिति सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है, तथा इन सभियों का वर्ण गुरु ब्राह्मण है। किसी भी चीज से तप का भय करना चाहिए, जब तक वह आपके सामने ना आ जाए। सामने आने पर उस भय पर बिना प्रह के प्रवाह करना चाहिए। जिसका जिस विषय में वस्तु पर आकांक्षा नहीं है, वो उस वस्तु का अधिकारी भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा, तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगा। वैसे ही जैसे चतुर व्यक्ति मधुर वचन नहीं बोल पाता, वैसे स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख पंडितों से, दरिद्र धानी से, विधवा सुहागिनों से और व्यवचारी स्त्री, कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियों की शत्रुता होती है। आलस से विद्या नष्ट हो जाता है, दूसरे के पास जाने से धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति की ना होने से सेना नष्ट हो जाता है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से कुल और गुणों से भला मनुष्य और क्रोध का पता आंखों से चलता है। अर्थ से धर्म की रक्षा होता है, निरंतर साधना से विद्या की, मृदु स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और पतिव्रता स्त्री से घर की रक्षा होता है। वेद और पांडित्य को व्यर्थ कहने वाले, शास्त्र और उनके आचरण पर व्यर्थ तर्क वितर्क और विवाद करने वाले और शांत पुरुषों को अन्यथा करने वाले इंसान व्यर्थ ही कलेश उठाते हैं। दान दरिद्रता का नाश करता है, सुशीलता दुर्गति का और बुद्धि ज्ञान भक्ति और भय का नाश करता है। यह निश्चित है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, और अकेला ही नर्क में जाता है या मोक्ष पाता है। ब्रह्मज्ञानियों के लिए स्वर्ग तिनके के समान है, सूर्यवीर के लिए जीवन तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है, और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में सारा संसार तिनके के समान है। विदेश में विद्या ही मित्र होता है, घर में पत्नी ही मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है, और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और सत्कर्म है। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन करना व्यर्थ है, धनी को दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपक व्यर्थ है। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है, और अन्य के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। धन ही धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहता है, और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित है। लक्ष्मी नित्य है, प्राण, जीवन और संपत्ति स्थिर नहीं है। इस अस्थिर संसार में सिर्फ धर्म ही निश्चल है, अर्थात स्थिर है। पुरुषों में नाइव धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, पशुओं में गीधर और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। मनुष्य को जन्म देने वाला या उपोविक संसार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अर्थात रक्षा करने वाला, ये पांच पिता गिने जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।